सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भटूरे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। हम जब भी छोले बनाते हैं तो वो अधूरे से रहते हैं जब तक कि भटूरे साथ में ना हो। तो आज मैं आपको यहाँ पर भटूरे बनाने की रेसिपी दूंगी और मैं इसको बहुत इंस्टेंट तरीके से बनाऊंगी ताकि ये बहुत जल्दी और फटाफट तैयार हो जाएं। तो आइए हम देखते हैं कि हमें भटूरे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। भटूरे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और यहाँ पर 100 ग्राम मैंने सूजी ली है, यानी कि रवा। सूजी और मैदे का प्रोपोर्शन 1:5 का है, यानी कि एक पार्ट सूजी का तो पाँच पार्ट मैदे का। ये 200 ग्राम फ्रेश दही लिया है जिसको कि अच्छे से बीट कर लिया है। 4 टेबलस्पून तेल लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। और गुनगुना पानी लेंगे हम डो को तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम मैदे में रवा ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे तेल, नमक और बेकिंग सोडा, और साथ में हम इसमें अच्छे से बीट किया हुआ दही भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 2 टीस्पून पिसी हुई शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप हल्के मीठे भटूरे पसंद करते हैं। और पहले हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। हम शुरू में पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं और दही काफ़ी पानी रिलीज़ करता है, और फिर हम बाद में इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी ऐड करना शुरू करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमें इस आटे में ज़्यादा पंच नहीं लगाने हैं, यानी कि इसको ज़्यादा नीड नहीं करना है। सिर्फ 30 से 40 सेकंड्स के लिए हम इसको इस तरह से नीड करेंगे। ये देखिए हमारा डो अब तैयार हो गया है। अब हम इसको हाथों से इस तरह से स्मूथ कर लेंगे और इसके ऊपर ऑयल की एक हल्की सी लेयर लगा देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए, और इसको ढककर हम कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। आप इसको किसी गर्म प्लेस पर रखिए ताकि ये जल्दी राइस हो जाए। ये देखिए हमने आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। यहाँ पर मैं हलवाइयों की तरीके से इसकी बॉल्स बनाऊंगी। वो इसकी बॉल्स इसी तरीके से बनाते हैं ताकि इसमें मिनिमम फोल्ड्स आएँ, लेकिन अगर आपको ये तरीका टिपिकल लग रहा है तो आप इसे सिंपली जैसे कि हम रोटी या पूरी की बॉल्स बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। ये देखिए हम अपने भटूरों को रोल करेंगे। इसके लिए हम अपनी रोलिंग पिन पर और रोलिंग बोर्ड पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे, और अब हम इसको हाथों की मदद से पहले इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जिससे कि इसको रोल करने में आसानी रहेगी। और अब हम इसको रोल करेंगे। आप इसको किसी भी शेप में रोल कर सकते हैं, ओवल या राउंड, जो भी शेप आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर इसको ओवल बना रही हूँ, और हम रोलिंग बोर्ड को इस तरह से घुमाते हुए इसको रोल करेंगे जिससे कि ज़्यादा आसान रहेगा इसको रोल करना। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी रोल करके दिखाती हूँ। हम इसको हाथों की मदद से इस तरह से बढ़ा लेंगे और इसको रोल करेंगे। अगर आपको इस तरीके से रोल करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसमें ऊपर से ड्राई मैदा छिड़क कर भी इसको रोल कर सकते हैं, या फिर आप बॉल को मैदे में कोट कर लें और फिर इसको रोल कर लें। बस आप ड्राई मैदे की कोटिंग हल्की रखिएगा। ये देखिए अब हम मीडियम हीट पर तेल गरम करेंगे और मीडियम हीट पर ही अपने भटूरों को फ्राई करेंगे, और हम स्पून की मदद से हल्का हल्का इसको इस तरह से प्रेस करते हुए फुलाएंगे। ध्यान रखेंगे हमारे भटूरे में कोई होल ना हो, वरना ये ठीक से नहीं फूलेगा। और उलट पलट कर हम इसको सेक लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा भटूरा परफेक्टली सेक गया है, और इसी तरह से हम अपने बाकी के भटूरों को भी सेक लेंगे।
ये देखिए कितने अच्छे और फूले फूले हमारे भटूरे बन रहे हैं। तो आप भी सेम इसी मेथड से अपने भटूरों को ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आपके भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, और इसी तरीके से आप इस भटूरे की रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये ज़रूर आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इनको सर्व कीजिए छोलों के साथ। छोले की रेसिपी का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।